स्पाइडरमैन बिला साहब यार तुसी सारे तुसी सारे पजल ना करो जी बिला जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम आखो जी सारे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम, खुश आमदीद ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ जी आप सब हैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हैरोफियत से रखे। ये है जी हमारे अरसलान भाई और ये तो किसी तारफ के मोहताज ही नहीं जनाब, ठंडे ठार दिल बहार ठंडे शरबत सारे हम जो है ना कज़न इकट्ठे हुए हैं। कुछ जो है वो दुबई से आए हुए हैं, एक हमारा कज़न जो है वो बहरीन से आया हुआ है। क्यों बिला साहब जी? तो अभी जा रहे हैं जी हम वो ये पहाड़ों की सैर को, तो इंशाल्लाह साथ साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको वीडियो का। हम आपको बेर भी खिलाएंगे। अब बेर एक दफ़ा पहले भी मिला साहब खुलवा चुके हैं आपको, तो ज़्यादा खाने से बाद ज़मीना हो जाए। तो इंशाल्लाह जी साथ साथ रहिएगा, वीडियो का मज़ा आएगा आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है। काफ़ी देर के बाद ना वीडियो जो है ये अपलोड होगी, तो एक तो आप सबसे माजरत कि ये ज़्यादा देर से वीडियो अपलोड करने के पीछे एक वजह थी कि मोबाइल जो है ना वो मेरा ख़राब हो चुका है। अभी ये जो मोबाइल है ये भी उधार लिया है जी कज़न से, तो इंशाल्लाह वीडियो को ज़रूर जो है वो पसंद कीजिएगा। तो अभी ये इन झाड़ियों से ज़रा थोड़ा सा निकल लें तो फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप जो है वो होती है। अच्छा जी रफी भाई, इस ग्राउंड में कौन कौन क्रिकेट खेला हुआ है जी, क्रिकेट का मैच? सारे लेकिन अब ग्राउंड भाई स्लैम पहले जी पहले ना पहले पहले विकेट आते होंगे जी। हाँ काफी होते हाँ चल ते ऐ जरा पास स्टेट सी लेकिन एक दसी बना एक गल में। हाँ लेकिन आप जो है ना ये वो बस पानी की वजह से ना ये नाले में पानी आता है तो इस वजह से ये सारा जो है ये समझे नाला ही बन गया, बस ये वाला हिस्सा ग्राउंड में रह गया थोड़ा सा, लेकिन आप ग्राउंड वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जी एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि हमारी तरफ ना मतलब पंजाब वाली साइड पे जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ है ना 2024 का स्टार्ट हुआ है, तब से ना धुंध ही धुंध है। उस तरफ सूरज कोई नहीं निकला, तो ये जो हम पंजाब वाले हैं ना तीनों भाई हम ये आज 2024 का सूरज जो है वो पहले दिन देख रहे हैं। रवि साहब हमारी तरफ जो है ना वो हमारी तरफ 2024 का सूरज जो है वो अभी तक कोई नहीं निकला, तो ये कश्मीर वालों की मेहरबानी थी, सूरज जो है वो हमने देख लिया। अच्छा बेमौसम जना फल लगता मिलन गया सानू लग गया मेरा चलो चेक कर लेने अपनी अपनी आज वीडियो बन रही है ना अपनी अपनी सटी आओ। हाँ जी अफीर साहब तुम की कह रहे हो? नहीं मैं कह रहा कि बिल आ रहा तुम आ जाओ भाई दीन नु आवंगे इन्हें उन्होंने फंड फुंड दे भाई भाई दीन नु आवंगे इन्हें उन्होंने फंड फुंड दे। हाँ जी बिला साहब खुरक दूर कर रहे हैं बूटी कच्चे अंब बेमौसम थोड़े दिन मैं करीब आ लवा ना दसो जी। मैं खुरक दूर करने वाली बूटी अच्छा खंग खुरक वाली वो जनाब मौजूद है इन्हों पहाड़ियों के उपर कच्चे अंब मौजूद ने बेमौसम अचार वास्ते जिसी चाहिए ना वो सब्सक्राइब करो बिला साहब आंदे ने कच्चे अंब मौजूद ने अचार वास्ते जरूर चाहिए ने सब्सक्राइब करो अदील है कोई नहीं यार सही गाने बहुत सही पूरा मेकअप करके आया है वेखन पूरा पूरा जनाब आपको एक और बूटी दिखाई जाएगी थोड़ी देर बाद और उस बूटी का नाम होगा स्पेशल बूटी। चैनल ब्लॉक ना करो आ मेरा बाकी है रे बनू इधर भी मारियो आदि तुम पता है आज स्पेशल एक वीडियो बन रही है कोई इधर आके खाए हेलो कोई अंडरस्टैंड कोई गो टू स्कूल नहीं इधर हो रहा हूँ कैमरा इस तरफ है मेरी जान
देखो जी माशाल्लाह हुन एडा उच्चा मोबाइल नहीं मैं लेके जा सकदा इत्थे तुसीं आ रहे हो ने अस्सलाम वालेकुम ते अल्लाह हाफिज बिला साहब ये ते जनाब हमारा पैगंबरी माल है ठीक है अल्लाह पाक खैर करे तो ये हमारा पैगंबरी माल है ठीक है सारे परिंदे जनाब आज बाहर आ चुके हैं तोता मैना और शुतुरमुर्ग ये इधर टटीरी ना इंसाफी ना गुस्ताखी नहीं पैगंबरी माल आहो नहीं है रही है। ये जी बाड़स्तान की पहाड़ियां क्या नजारे हैं जी माशाल्लाह ये ना को फील ना कीजिएगा कोई भी दोस्त है आपको देखने वाले रैंडम से एक वीडियो जो है वो बन रही है बस जो गपशप हो रही है मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ असल में काफ़ी अरसे से ना मेरे ख्याल में साल से ज़्यादा ही हो गया होगा वीडियो जो है वो चैनल पे बिल्कुल अपलोड नहीं हुई मोबाइल की वजह से पहले जो इंट्रो था वो कज़न के मोबाइल से किया और अभी जो छोटा भाई है ना फीज ये उसके मोबाइल से वीडियो जो है वो मैं शूट कर रहा हूँ तो आप ना ये रैंडम सी वीडियो जो है वो बन रही है तो कोई भी बात अगर आपको है बुरी नहीं लगनी चाहिए और अगर दिल आजारी हो किसी बात से तो माजरत थैंक यू ऊपर वाली साइड पे बल्कि ये सारा एरिया जो है ना ये रिस्ट्रिक्टेड है आर्मी एरिया तो अब जैसे ये लकड़ी जो है ये बेकार पड़ी हुई है ना किसी की ये मलकियत है मतलब कोई भी ज़रूरतमंद जो है वो गैस आपको पता है कितनी महंगी है तो कोई भी बंदा ये उठा के लेके जा सकता है लेकिन आर्मी वाले जो है ना वो फिर अगर कोई ऐसा करेगा तो आर्मी फिर उसको पूछगिछ आर्मी करेगी तो ये सारा एरिया जो है ना ये ज़रा रिस्ट्रिक्टेड है अगर मुझे वीडियो बनाते किसी बंदे ने देख लिया तो हो सकता है मोबाइल भी जब्त हो जाए कौन है स्पाइडरमैन अरे ने बिला साहब यार तुसी सारे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਾ ਜੀ ਓਏ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ पीछे जो सारा एरिया आपको नजर आ रहा है ना इससे पीछे दूर दूर तक कोई आबादी जो है वो नहीं है इस तरफ है आबादी और यहाँ से पीछे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है तकरीबन और रास्ते में एक भाई मिले हैं वो बता रहे थे कि कल एक ही जगह पे ना तीन बकरियां जो हैं वो मतलब उनकी चीर फाड़ जो है वो किसी जानवर ने की है और सुनने में आया जी कि वो ब्लैक
चीता। हाँ चीता है। हाँ काले रंग का नहीं, जो चीता होता टाइगर उसे बोलते हैं शायद। नहीं टाइगर नहीं, चीते ही है। लेपर्ड। हाँ जी लेपर्ड। चीता जो है वो आया हुआ है जी हर साल इंडिया की ढाल गांव सर्दियों। हाँ जी उधर भुख होंगी है। और मोर काफ़ी ज़्यादा है इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, मोर बहुत ज़्यादा है। और जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गा बहुत ज़्यादा, मुर्गा बहुत ज़्यादा। खरगोश जो है वो भी वाफर मकदार में है जी। अभी जंगल ज़्यादा हो गया ना आर्मी की वजह से, और तो ये जानवर बहुत ज़्यादा है। हम साथ लेके आए थे कि अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ जो है वो मिल जाती है कोई ख़तरनाक तो ये ज़रूरी है। वो कुछ और भी हम साथ लाने लगे थे लेकिन वो इलीगल है, तो वैसे भी आर्मी वाला को देख लेगा तो नुकसान हमारा ही होगा, तो इसलिए ये चीज़ अपनी हिफाजत के लिए लेके आए हैं। कोई कच्चे आम तो कोई लगना। और जी शान भाई बता रहे हैं जी ये जो आम है ना, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इस पे मतलब सर्दियों के मौसम में ना आम जो हैं वो अक्सर लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा ना तो बारिश हुई है और ना जो है वो इन आमों पर भी लगता है जी। बारिश भी नहीं हुई और ऊपर से सर्दी काफ़ी है, तो इस वजह से ना भी नहीं है, बिल्कुल कच्चे ही रहते हैं, कच्चे ही आम रहते हैं, लेकिन लगते ज़रूर हैं इन आमों पर। कैमरे की आंख हमें देख रही है जी उधर से। जंगल जो है जी खौफनाक से खौफनाक होता जा रहा है। वो किधर लेके जा रहे हो नहीं बिल्ला जी, आयो कित्थे जी? नहीं उहे ओही नाली है जनाब, चल जिहड़ी लैण आया जी। मन नहीं मैं फिर ओ अगे तक लो पता नहीं फिर बरल जी, ये इस तरफ भी जंगल, इधर भी सुनसान इलाका जंगल, और ये रास्ता इधर में आने तंग नाली। हाँ जी इधर जो बारिश वगैरह आवे पानी आंदा है, नाली और तंग नाली है आगे, इस तरह की और भी नालियां बहुत हैं। नहीं पानी आंदा है इधर से? ये पानी आता है इधर से, जब बारिश होती है पानी आता है, पानी आता है, बारिश नहीं होती पानी नहीं आता, नहीं आता। गुड वीडियो बना लो साडे ओए अच्छा जी शान साहब कह रहे हैं कि ये ना है तंग नाली की सोड़ी नाली, बिल्ला जी आडे मारिए कसम। पहले ये सपानी नाली जनाब, पहले दौर में इसको बड़े बोलते थे सपानी नाली, हमने मान लिया कि सपानी ने कखा ली तो हम इधर आते जाते थे, इधर बहुत बड़ा बड़ा सांप है, आप लोग कभी ना आना इधर। पग बिल्ला जी तुसी बड़ी पठान वाली बन ली है भाई, कंडा लग छड़ता सिर सिर ना कंडा पख्तून 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 माड़ा। हम तुमको बताएगा कि इधर जो है ना कोई भी आदमी आता है तो वापस नहीं जाता, हम इसलिए एक साथ में आया है, अगर एक आध वापस ना भी गया तो कोई मसला नहीं। नहीं वाकई जगह तो खौफनाक ही है, हूँ वेखना है की बने है। नाला जहा बने को बरसाती नाला, तौबा अल्लाह माफ करे। अकेले आओगे तो डरोगे हैं,